वैसे नॉर्मल यहाँ पे ज़ाहिर है मैं आपकी सैलरी तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक नॉर्मल सेलमैन की कितनी है यहाँ पर? नॉर्मल सेलमैन की कम से सलाद बना रहे हैं, ये सैलेड बना रहे हैं। आपका हाथ तो बड़ा फास्ट चल रहा है यार, प्रोफेशनल शेफ नहीं होते यार? आप कोई अप्लाई करना चाहे जो बेचारे बैठे हुए होते हैं फुटपाथों पे टाइम पास कर रहे होते हैं और वो अप्लाई करना चाहें इस तरह की जगहों पे, अच्छी जगहों पे, तो क्या प्रोसेस क्या है? क्या हाल है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल पसंद के सामने, जो मुक्का चौक के पास दिल पसंद की ब्रांच है ना, उस ब्रांच में मैं मौजूद हूँ। यहाँ से लेके आयशा मंजिल की जो चौरंगी है वहाँ तक का पूरा आमने सामने का विज़िट करेंगे। आगे जाकर दमतल भी है, तो ये पूरी फूड स्ट्रीट हम देखेंगे और इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं तो वो भी देखेंगे, साथ साथ रहिएगा। और प्लान तो बस हलवा पूरी का था, लेकिन यहाँ पर आए तो थोड़ा यहाँ का विज़िट भी करते हैं, देखते हैं भाई और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें, तो साथ साथ रहिएगा, ठीक है? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वैसे भी अस्सलाम वालेकुम, अभी आता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो वैसे भी अभी जो है शाम का टाइम है, इतनी भूख लग नहीं रही, तो थोड़ा चहलेंगे, मतलब थोड़ा चलेंगे फिरेंगे, चहलकदमी होगी तो ज़रा भूख खुलेगी। ये चौरंगी पहले जो है दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें उस तरफ जो बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको काफ़ी दूर, ये उस बोर्ड के पास जो है मुक्का चौरंगी कभी हुआ करती थी, अब वो ख़त्म हो गई है, तो अब लियाकत चौरंगी के नाम से जो है ये जानी जाती है। यहाँ से दोनों तरफ का विज़िट करते हैं, देखते हैं भाई क्या चल रहा है। डेट मैं आपको बता दूं, काफ़ी दिन से मैं अपडेट नहीं कर रहा आपको, तो डेट है आज 15 सितंबर 2023 और टाइम हो रहा है जनाब, देख लें आपको जी 6:30 बजे का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे पूरी चीज़ें कवर करते हुए। डायमंड सुपर मार्ट है, मार्केट इसकी जो है डायमंड की एक ब्रांच नाजमाबाद में भी है गोल मार्केट के पास, तो वो भी मैं दिखा चुका हूँ, तो आप अगर जाना चाहें वहाँ पर तो देख सकते हैं। ये देखें शाम की चाय। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों, ठीक ठाक हैं? कौन सी कंपनी से? डायमंड से हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, क्या ब्रेक मिला है, चाय का ब्रेक मिला है? चाय का नहीं, खाने का। शाम के वक्त कौन सा खाना होता है? अच्छा, क्या 5 से 6 टाइमिंग्स क्या है यहाँ पर? टाइमिंग हमारी 2 शिफ्ट के हैं। हाँ, एक शिफ्ट जो है सुबह 10 से लेकर 8 तक की होती है और एक शिफ्ट जो है 2 से 12 की होती है। अच्छा अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा, कोई आप नॉर्मली कोई बात करना चाहेंगे? चाहूँगा कि मैं कहता हूँ कि जितनी भी सुपर मार्केट है, हाँ, इस हवाले से डायमंड बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये हमें जो बेनिफिट दे रहा है वो और मार्गों में बेनिफिट नहीं है। अच्छा, क्या बेनिफिट दे रहा है? हमारे को मेडिकल वगैरह के साथ दिया जा रहा है। अच्छा, ना दीगर जगहों पर, प्राइवेट जगहों पर जो है फैमिली को मेडिकल नहीं मिलता, पर सुपर फंक्शन ही होता है जिसमें कि आप वर्करों को ही मिलता है। अच्छा, और अच्छा। फिर यहाँ पे जो है PDF फंड की भी सेटिंग है, जिसमें हमारी सैलरी जो काटी जाती है उसका डबल जब भी हम छोड़ेंगे उसका डबल मिलेगा। अच्छा, वैसे नॉर्मल यहाँ पे ज़ाहिर है मैं आपकी सैलरी तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक नॉर्मल सेलमैन की कितनी है यहाँ पर? नॉर्मल सेलमैन की कम से कम जो है 28-29 चल रही। अच्छा यार, आप कोई अप्लाई करना चाहे जो बेचारे बैठे हुए होते हैं फुटपाथों पे टाइम पास कर रहे होते हैं और वो अप्लाई करना चाहें इस तरह की जगहों पे, अच्छी जगहों पे, तो क्या प्रोसेस क्या है? हमारी जो है 8 ब्रांचेस है माशाल्लाह। हाँ, और आप जो अप्लाई करना चाहें तो वो लोग जो है सकी हसन पे गिलोरी मॉल के बैक साइड पे हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे मालूम कर सकते हैं। लंबा चौड़ा प्रोसेस तो नहीं है, मतलब नहीं लग जाती है, लंबा नहीं है। वहाँ HR निज़ाम बैठा हुआ है हमारा, HR से जाके रब्ता करेंगे तो वो होगी वैकेंसी तो वो बता देंगे। चले, क्या मॉल है? तो ये है कि बस सुबह 2 बजे हम यहाँ आते हैं। अच्छा, तो 1 बजे तक हमारी वापसी होती है घर की, सही है, और जाके सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के वापस यहाँ। काफ़ी देर से मैं यहाँ बैठा हूँ, कब आएगी चाय वाय यार, मतलब कब आएगी चाय वगैरह? तो हम पी के बैठ चुके हैं। अच्छा, बस ऐसे टाइम पास करना चाहें तो हम ज़रूर आपके लिए। नहीं नहीं, थैंक यू यार, बस मैं वैसे ही दिल चाह रहा था कि आप लोगों से गपशप करूँ। चलें, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। पिज़्ज़ा कॉर्नर है कोई, ये
चमन आइसक्रीम एंड जूस। अभी दोबारा हमें उस तरफ जाना है। पायोनियर कबाब हाउस। अब पायोनियर वालों की तरफ से आप क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? दिखाइएगा, पहले तो हाथ मिलाएं। तबीयत ठीक है आपकी? और भाई खैरियत से हैं? ये मेन्यू कार्ड है इनका। और जनाब क्या टाइमिंग्स वगैरह हैं यहाँ पर? शाम 5 से लेकर सुबह 5 बजे तक। सुबह 5 तक पूरी रात खुला रहता है? वाह 12 घंटे, ज़बरदस्त। तो आपकी क्या चीज़ खास यहाँ पे फेमस है? बारबेक्यू आइटम सबसे अच्छा था। ज़्यादा चलता है? बोटी कबाब टिक्का मस्त। बोटी कबाब टिक्का, ये तीनों आइटम चलते हैं। रेट क्या है इसका बोटी का? 450 रुपये की प्लेट। अच्छा, और पराठा कितने का दे रहे हैं? पराठा 90 रुपये का, 90 का। ठीक है, चलें, शुक्रिया। खैरियत से हैं? ये बन रहा है यहाँ पर। ये उल्टे हाथ पे आगा खान आ गया, आ गया, आ गया। ये लेबोरेटरी आ गई डॉक्टर ईसा की। ये पूरा हमने कवर तो कर लिया है, लेकिन ज़्यादा मेरी किसी से मुलाकात नहीं हो पाई आज। कुछ और दूसरे एरियाज़ की तरफ चलते हैं, दूसरी गलियों में चलते हैं, ताकि कुछ चटपटी हो हमारी वीडियो। ऐसे खाली रोड और दुकानें देखकर तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए ना। ये देखें, ये कोई शेक वगैरह की शॉप है, आइसक्रीम पार्लर है। बाबा खैरियत से हैं? ये कितने कितने के दे रहे हैं बाबा? ये 200, 300, 400। सिर्फ ये पानी वाले ना, इसमें वो भी निकलेगा खोपरा? खोपरे वाला अलग से होता है। ये तो सिर्फ पानी वाला है ना? से होता है पानी वाला अलग। आपके पास कौन कौन से हैं? तीन हैं। कैसा है वैसे काम वाम आपका? रोजी देता है, रोज आते हैं लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ पेट तो नहीं भरता। और आपका काम हम कैसे, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ज़रा करीब से देखते हैं बाबा। इसमें पानी वाला कौन सा है ज़रा बताएं तो हमें। अच्छा, ये पानी वाला है। इसमें मलाई है। अच्छा, ये मलाई वाला है, थोड़ा कड़ा हो गया। ये कोकोनट वाला है। हाँ ये इसमें तो खोपरा निकलेगा ना? कोकोनट भी है वाले। ठीक है, यहाँ गुलाब जामुन है। कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हैं? क्या किलो दे रहे हैं, क्या किलो दे रहे हैं गुलाब जामुन? गुलाब जामुन 450 रुपये किलो। और ये जो रखी हुई है ये क्या है, मट्टी की? मटका है, रबड़ी का है। रबड़ी भी होती है आपके पास? जी। अच्छा,
ये बड़ा जो है रंग बिरंगा सा चमकता हुआ जो है रेस्टोरेंट है, कौन सा आ गया ये बैठक। वाह भाई, क्या हाल है भाई, हो ठीक ठाक हैं? आ सकता हूँ, दिखा सकता हूँ क्या बना रहे हैं? चाय भाई, चाय बना रहे हैं, आ जाऊँ? चाय बना रहे हैं, चाय चाय। तो इतने बड़े होटल में चाय बननी है और कुछ और नहीं बन रहा? कैसे हैं खान साहब? बस फर्स्ट क्लास, मज़े में। मैं तो आपका ये दूर से चमकता हुआ देखकर आ गया। अच्छा। मैं कोई ख़ास चीज़ बन रही होगी, लेकिन आप तो चाय बना रहे हैं। अच्छा जी, अच्छे बनाएगा। हाँ अच्छी जी। कितने की चाय दे रहे हैं? 80 की कप है। और क्या क्या आइटम है आपके पास, दिखाएं ज़रा मेन्यू वगैरह। कहाँ अभी अभी तो स्टार्ट नहीं किया ना कुछ भी? अच्छा, इतना सब कुछ है इसमें तो? मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बोलें बोलें। इसमें बारबेक्यू है, हाँ, फास्ट फूड है, और क्या नाम है, चाइनीज़ है। आपका ज़्यादा चलता क्या है फास्ट फूड? फेमस क्या है आपका? हमारा फास्ट फूड है और बारबेक्यू है। फास्ट फूड में कौन सा वाला, मतलब बर्गर है या बर्गर है, जिंगर है, बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, क्वालिटी भी बढ़िया है। जिंगर कितने का है? जिंगर 400 रुपये का है, क्वालिटी बढ़ी है उसकी। उसके साथ फ्राइज आते हैं, केचप आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके साथ रायता है। चलें ये दिखा दें, अपना एक दफ़ा एक नज़र मार लेते हैं इस पर, देख लें दोस्तों। इसलिए आइटम आपको मिलेंगे, आइटम तो बहुत हैं इसमें, तो आप गूगल वगैरह कर लीजिएगा। चलें जी। और 24 घंटे खुला हुआ है? 24 घंटे खुला हुआ है। और सैटरडे संडे खुला हुआ है? खुला है। संडे को भी खुला हुआ है? खुला हुआ है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बड़ी कलरफुल सी शॉप है भाई, सोडा स्ट्रीम। बच्चे ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, देखें। तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक का ज़माना इतना नहीं रहा, अक्सर जो है मैंने ये देखा है कि मुख्तलिफ इसमें फ़्लेवर्स आने लगे ना, बेतहाशा फ़्लेवर्स होते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग ट्राई करने आते हैं यहाँ पर। तो गपशप तो करें। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? वह फर्स्ट क्लास। कहाँ से आए आप? मैं दस्तगी ब्लॉक से आया हूँ। कौन सा फ्लेवर अच्छा होता है इसका यार? मैंने ट्राई तो नहीं किया, मेरे भाई ट्राई करने गए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो? अच्छा अच्छा, मैंने वो ट्राई करा था, ब्लूबेरी फ्लेवर है। ब्लूबेरी ये इसी का? अच्छा अच्छा। बस मैं तो निकला हूँ YouTube के लिए वीडियोस बनाता हूँ। आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो? कौन से क्लास में हो? मैं 9th जी। दिखाओ। दिखाए हैं लेकिन कुछ खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ, घेरा लाएगा तो बनाऊंगा ना। हाँ, नाराज से लग रहे हैं, क्या बात है आप? मैं इसलिए वहीं आके रुक गया आपको देख कर, मैं यार ऐसा ना डांट वाट दें यार बिला वजह। कराची वालों को भरोसा नहीं होता, कभी मुस्कुराते हैं तो कभी जो है अजीब मिजाज से बात करते हैं। नहीं यार, हम ऐसा नहीं है यार। अच्छा, इखलाक अच्छा होना चाहिए इंसान का, है ना? तो वैसे क्या टाइमिंग्स वगैरह हैं अंकल यहाँ पर? टाइमिंग्स वगैरह क्या है यहाँ पर आपकी? यहाँ पे होता है शाम को लगता है। हाँ, और चलता ज़्यादा किस वक्त है? 10-12 बजे तक चलता है। 10-12 बजे, 10 से 12 बजे के दरमियान? 10 से शुरू होता है, सुबह 4-3 बजे तक। अच्छा अच्छा, कितने का दे रहे हैं बर्गर? 100 रुपये का। 100 रुपये का। अच्छा जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? आपकी शॉप को भी मैंने ले लिया वीडियो के अंदर। खाली पड़ा हुआ यार, मैं मतलब वक्त से काफ़ी पहले आ गया शायद। कहीं कहीं तैयारियां चल रही हैं, कहीं जो है चूल्हे वगैरह गर्म किए जा रहे हैं, तो ये सब जो है मामलात हो रहे हैं। करीब से ही दिखा दें यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? क्या बना रहे हैं? वेजी काट रहे हैं जी। वेजी काट रहे हैं फिलहाल। तो मतलब किस चीज़ के लिए, कौन सा मतलब तैयार करेंगे आज? रोल के लिए तैयार कर रहे हैं।
सलाद बना रहे हैं। ये सैलेड बना रहे हैं। आपका हाथ तो बड़ा फास्ट चल रहा है यार, प्रोफेशनल शेफ नहीं होते? उसकी आवाज़ से जो है एक अलग ही फील आ रहा है। क्या क्या आइटम होते हैं आपके पास, क्या फेमस क्या है आपका? अच्छा, और भाई तो अपने काम से काम में लगे हुए, कोई बात बात करने में दिलचस्पी नहीं लग रहे हैं आज, क्या बात है? क्या बात है, क्यों क्यों मतलब बात करने के लिए कुछ है ही नहीं बात करने के लिए? यहाँ से वहाँ तक मैं पूरा राउंड मारकर आ गया तो एक बंदा भी मुझे जो है गपशप करने वाला नज़र नहीं आया, सब अपने काम से काम में लगे हुए हैं। ज़ाहिर है भी या तो स्टार्ट है आप लोगों का भी बिल्कुल, मतलब अभी दुकान वकान खुली है ना, चलें कस्टमर वगैरह आएंगे तो फिर थोड़ा चेहरे पर रौनक आएगी। चलें भाई, मैं तो अब जगह हर जगह जाके जो है सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्या करें भाई, हमारा काम ही यही है यार। और जनाब ठीक ठाक हैं आप? चलो यार आगे बढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ आइसक्रीम के फ्लेवर, अरे आइसक्रीम से याद आया, मैं अभी कल वहाँ गया था जो यूट्यूबर ने भी आइसक्रीम कॉलर खोला है ना VIP पॉप्सिकल्स के नाम से, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, बड़ी अच्छी सी वीडियो बनी है और फ्लेवर बड़ा अच्छा था।